अल्लाम आलकम वक् महतरम साम नौजवान साथियों और हमारे अज़ीज़ भाइयों और बहनों सबसे पहले मैं अफरात के सामने अपना तारफ़ करा दूँ मेरा नाम नसीमुन काशमी मैं दिल्ली के अंदर मदनी मस्जिद के अंदर इमाम और खतीब की हैसियत से अपनी ख़िदमत अंजाम देता हूँ और मैंने दारुल दे देवबंद से फ़ज़ीलत की डिग्री हासिल की और उसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी हासिल की और उसके बाद अल्लाह इज़्ज़त ने मुझे मस्जिद से मुतालिक खिदमत अंजाम देने का मुझे मौका फराहम कराया मैं वहीं पर लगभग 18-19 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं बीच में भी बहन कुमारी जमीला दीदी से मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर किसी प्रोग्राम में उनकी दावत पर मैं यहाँ आया हूँ यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का आबो हवा रहन सहन महब्बत भाईचारगी एक फ़िज़ा जो यहाँ महसूस होता है देखकर वो यही होता है जिसको कुरान करीम के अंदर अल्लाह इज़्ज़त ने फरमाया इन अकम इन अतकाकुम कि तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ अल्लाह इज़्ज़त के नज़दीक वही है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हो परहेजगार का मतलब जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो यहाँ जो लोग भी हमें मिले या जो चीज़ मैंने महसूस की वो यही है कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है और वो है चैन शांति भाईचारगी आपसी मोहब्बत और इसी बात की तालीम ही नहीं बल्कि इसको अगर किसी आदमी को देखना हो भाईचारगी को मिठास बोलने में वो आकर यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आकर उसका नज़ारा कर सकता है अपनी आँखों से देख सकता है और देखी नहीं बल्कि ये इसके ऊपर हम तमाम लोगों को काम करना चाहिए यहाँ पर मेला तखसीस किसी मजहब व मिलत के कोई भी मजहब व मिलत का आदमी यहाँ पर आ सकता है जा सकता है उसके ऊपर न किसी तरह का कोई दबाव है और ना ही उसके ऊपर किसी तरह का कोई बोझ वो महसूस करता है बल्कि जिसे जिसको अच्छा लगता है वो यहाँ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ जाते हैं और अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं और नहायत ही बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के काम करते हैं अगर ये फिजा हमारे मुल्क में आम हो जाए तो हमारा मुल्क बिल्कुल शांति का गहवारा बन जाए भाईचारगी का गहवारा बन जाए बिल्कुल भेदभाव हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी और यहाँ के जितने भी कारकुनान हैं काम कर रहे हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं इस काम की इस वक्त हमारे मुल्क को ज़रूरत है और ज़रूरत ही नहीं बल्कि इस वक्त का तकाज़ा भी है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क के रहने वालों के दरमियान जाएं और उनको भाईचारगी का दर्स दें भाईचारगी का पैगाम दें और उनको ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार वो है जो अल्लाह इज़्ज़त के सामने डरने वाला है और अल्लाह से डरने वाला वही होगा जो अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत करने वाला होगा और जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं करेगा वो अल्लाह से नहीं डर सकता तो अल्लाह से डरने वाला अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करेगा और अल्लाह की मखलूक से अगर मोहब्बत करेगा तो भाईचारगी की फ़िज़ा को आम करेगा और वो चीज़ हमें यहाँ देखने को इस यूनिवर्सिटी में मिली और यहाँ के कारकुनान से मिली बहुत बहुत मैं आप फदरात का शुक्र हूँ मैंने दारालम हैदराबाद से तखस फिलफ रिसर्च ऑफ इस्लामिक लॉ की तालीम हासिल की उसके बाद दिल्ली में मैंने आलमी रिश्ता के नाम से एक मैगज़ीन उसके अंदर मैंने दो साल एज ए सब एडिटर से की हैसियत से काम किया उसके बाद फिर मैंने आलमी रिश्ता से अलग होकर अपनी मस्जिद ही के अंदर यहाँ रह कर मैंने फ़िक्र हयात के नाम से एक मैगज़ीन भी निकाली और कुछ अरसे तक वो मैगज़ीन दो तीन साल तक लगभग मैगज़ीन लोगों के हाथों में आया लेकिन उसके बाद माली वसायल की कमी की वजह से मैंने उस मैगजीन को दोबारा नशर नहीं कर सका उसके बाद फिर मस्जिद की खिदमत में लग गया मन धन से और अभी तक खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने मैं वहाँ पर मस्जिद में रह कर एक छोटा सा मकतब मैंने कायम किया है जिसके अंदर हर साल बच्चे जो यतीम हैं गरीब हैं उन बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है उनकी तरबियत की जाती है और वो कुरान हिफ्ज़ करके याद करके मुल्क के गोशे गोशे के अंदर या अपने गाँव में मोहल्ले में समाज में हर जगह जाकर अपना कुरान की तालीम को आम करने का वो काम करते हैं और हमारे यहाँ तालीम पाते हैं ये काम भी हम अपनी एक छोटी सी जगह जो मस्जिद है वहाँ पर रह कर खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये हमारी ये मेहनत मुसलसल जारी रहे और अल्लाह ताला इसे हर तरह के नजर से भी की हिफाज़त फरमाए और अभी तक वहाँ से मुसलसल हज़ारों बच्चे लगभग वहाँ से हफ्ज बनकर निकले हैं जो कि मुल्क के अंदर और दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अतराफ नवाही के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मस्जिद की अंदर भी और मदरसे के अंदर भी वो अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये काम मैं वो छोटी सी जगह पर करता हूँ अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये काम अल्लाह जारी व सारी रखे आमीन